अभी जो अग्निपथ निकली है अब सेना में फिर उसके बाद एयरफोर्स नेवी में। अभी सोचा जाए तो स्कीम अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो अभी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो गलत है, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी जैसे 17 साल का बच्चा जो जैसे 12वीं पास करता है वो मैक्सिमम क्या, जब जैसे कॉलेज में पहुंचता है तो नशे की तरफ, नशा उधर से ही उसका शुरू होता है। अगर वो 17 साल में आर्मी ज्वाइन कर लेता है, उसका डिसिप्लिन, एक तो उसका डिसिप्लिन बढ़ेगा, दूसरा अपने इंडिया के खिलाफ उसके जज्बा होगा कि मैं इंडिया आर्मी का एक सोल्जर हूँ, ट्रेनिंग करके आया हूँ, उसमें देश के लिए भावना होगी कि मर मिटने के लिए। दूसरा अभी 4 साल में आकर के कोई दूसरा जॉब भी ले सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने उसके लिए 10% आरक्षण रखा है, CRPF, ITBP, असम राइफल वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी आरक्षण दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से तो ये अच्छी स्कीम है। मैं तो नौजवानों को यही बोलता हूँ जो दंगा फसाद कर रहे हैं, दंगा फसाद को छोड़ो, अपना फिजिकल करो और अपना आर्मी ज्वाइन करो। सर, अलग अलग पार्टियों की तरफ से एक विरोध किया जा रहा है इसका कि अग्निपथ जो है स्कीम तो सही नहीं है, ये जो स्कीम निकाले हमारे युवाओं को बर्बाद कर देगी, क्या कहेंगे आप? देखो 17-18 साल का युवा क्या होता है, जैसे उसको आप बोलोगे पत्थर पकड़ो पत्थर मारो वो मार देगा। क्यों, पॉलिटिक्स को भी सोचना चाहिए। क्यों, अभी कितने युवा जो जिनके ऊपर FIR लगी है वो क्या कर पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे अपने भविष्य में? अभी तो उनका भविष्य खराब होगा जिसके जिसके बरखिलाफ FIR लगी है। तो यही है कि आप इन बच्चों को मत भड़काओ, जो आप लोगों ने करना करते रहो, जो पॉलिटिक्स है वो अपना काम करते रहो, लेकिन बच्चों को मत लाओ ग्राउंड में। मेरी यही एक ख्वाहिश है कि बच्चों को मत लाओ इस पॉलिटिक्स में, बच्चों का भविष्य मत खराब करो। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो युवा नहीं हैं, कौन लोग हो सकते हैं वो? तो फिर वही हैं जो पॉलिटिक्स वगैरह हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। अभी देखो जैसे ट्रेनें जलाई गई, उसमें किसका नुकसान हुआ? अपने हिंदुस्तान का नुकसान हुआ ना, वो एक गरीब पर बोझ पड़ेगा। अब मान लिया कि अभी ट्रेनें इतने 700 करोड़ का कुछ बोल रहे थे कि 700 करोड़ का कुछ नुकसान कर दिया, तो वो बोझ किस पर पड़ना, आम जनता पर पड़ना है। अगर मान लिया गवर्नमेंट ने 2 रुपये डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया तो किस पर बोझ पड़ेगा, सब कुछ महंगा होगा, सब्जी फल फ्रूट जो भी है, दालें दूलें दो जो भी है वो सब महंगा होगा, तो आम जनता पर ही बोझ पड़ना है। रोकड़ी जिन्होंने रोटियाँ सेकनी है उन्होंने रोटियाँ सेकते रहना, तो बस। सर, आपका क्या मैसेज रहेगा पूरे आवाम को और हमारे खास करके युवाओं को? युवाओं के लिए यही मैसेज देता हूँ कि आप अपना फिजिकल करो और नौकर हो जाओ, देश की रक्षा करो, क्योंकि किसी किसी के नसीब में होता है देश की रक्षा करना, हर एक के बस में नहीं है कि देश की रक्षा करना।
खासकर जो जो युवा नेताओं की चपेट में आ रहे हैं उनका खास करके आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही है कि किसी की बात मत सुनो और अपना अपना फिजिकल की तरफ और अपना जॉब की तरफ ध्यान दो। ये नेता लोग हैं, इन्होंने कल एक हो जाना है तो मरा देंगे बेचारे गरीब बच्चे को। जैसे अभी पटना छटना में हुआ, बिहार में हुआ, तो FIR लगी है बच्चों पर, क्या फ़ायदा उनका? तो भविष्य ख़राब है, कोई नौकरी कोई जॉब तो उन्हें कर नहीं सकते हो। सर, कुछ दिन पहले हमारे बेल्ट फोर्स पर पथराव किया गया, तो क्या लगता है कि इस पथराव से हमारे युवाओं का समस्या का समाधान होगा? देखो, हिंसा से कोई समाधान नहीं है। अगर हम हिंसा करेंगे तो बुरा असर हमारे पीढ़ी पर ही पड़ेगा, जो आने वाली जनरेशन है उन पर असर पड़ेगा। जी सर, बहुत ही अच्छी योजना बनाई है ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, क्योंकि हम छोटे पीरियड में 4 साल में अपने इंडिया को, अपने कंट्री को सर्व करके आ सकते हैं और अपने पेरेंट्स का भी घर में आके ख्याल रख सकते हैं। और छोटे से पीरियड में आके हम जो भी हमें जो देंगे गवर्नमेंट हमें देगी जो भी, उससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं भी और भी हमें प्रायोरिटी मिल सकती है। J&K पुलिस और भी CISF CRPF बहुत सारी ऐसी डिफेंस है यहाँ पे हमें मिल सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो इस योग्य होगा उसको 25% में आया जाएगा, जो योग्य नहीं होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसका कोई नहीं। बट जो 75 में आएंगे उनको प्रायोरिटी मिलेगी स्टेट में भी, CISF CRPF। लेकिन हमारे में पूरा जोश है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अग्निपथ 4 साल के लिए तो हमें कोई जोश नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जोश है हमें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस सर, थैंक यू। इसका विरोध भी किया जा रहा है कि ये स्कीम जो लाई गई है वो सही नहीं है। जी सर, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि TOD लाया गया है, जो हमारे भाई हैं जिन्होंने पहले मेहनत की है बहुत, सर 5-5 बजे उठ के उन्होंने मेहनत की है। बड़े सारे हमारे भाई हैं जो गवर्नमेंट से भी नाराज़ हैं क्योंकि उनका रिटर्न नहीं लिया गया, मेडिकल उनका है हो गया, फिज़िकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, उनका रिटर्न नहीं लिया गया। तो सर ये गलत बात है, उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे हम मेहनत कर रहे हैं 5 बजे सुबह उठ उठ के, उन्होंने भी ऐसे ही मेहनत की है, तो उनका रिटर्न कुछ लेना चाहिए। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, हमारे देश की संपत्ति जला रहे हैं, वो गलत बात है, ऐसा विरोध नहीं चाहिए। मतलब आंदोलन करो, पीसफुल करो, फिर ठीक रहेगा। आपका क्या मैसेज रहेगा पूरे आवाम को? हमारा मैसेज यही रहेगा कि हमें गवर्नमेंट के साथ ही चलना है। उन्होंने कुछ सोच के ये चीज़ निकाली है, ऐसे नहीं निकाली है, कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा कि यूथ हमारा आगे बढ़ेगा, 4 साल जो हमें होगा उसके लिए तो वो आगे जाएगा। तो सबको आना चाहिए आगे और सबको अपना योग इसमें देना चाहिए, अपना योग देना चाहिए। Thank you.